उधर मोदी सरकार के लिए आज नई मुसीबत यशवंत सिन्हा बनकर आए, जिन्होंने अपनी ही सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा, लिखने वाले बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा है और हेडिंग है आई नीड टू स्पीक अप नाउ। आर्टिकल में मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए यशवंत सिन्हा ने लिखा, नोटबंदी और जीएसटी की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी की गई, बेहतर होता 1 अक्टूबर से जीएसटी लागू करते। अब तक नोटबंदी और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर सिर्फ विरोधी ही वार करते थे, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी के अंदर से आवाज उठी है। आपको बता दें, यशवंत सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता हैं, वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं और हजारीबाग से ही सांसद भी रहे हैं। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार में विमान मंत्री हैं। यशवंत सिन्हा के आर्टिकल का राहुल गांधी ने भी समर्थन किया। यशवंत सिन्हा जी ने आर्टिकल लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। जब बीजेपी के घर से ही सवाल उठे तो विरोधी भी सुर में सुर मिलाने लगे। पूरे आर्टिकल में यशवंत सिन्हा के निशाने पर सबसे ज्यादा वित्त मंत्री अरुण जेटली रहे। आर्टिकल के अंत में सिन्हा ने लिखा, प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने काफी करीब से गरीबी को देखा है। उनके वित्त मंत्री इस बात के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि देश का हर नागरिक गरीबी को करीब से देखे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।